यस yes, आपको इस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल करना होता है विद इन थ्री मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर ये जो ऑर्डर है ये नॉर्मली जीएसटी पोर्टल में अपलोड करके कम्युनिकेट किया जाता है एंड जिस दिन ये ऑर्डर अपलोड होता है उस दिन से वो थ्री मंथ्स कैलकुलेट होगा बट ऐसा भी कोई सिचुएशन हो सकता है जहां पर यह ऑर्डर आपको ई के थ्रू सर्व किया गया है या फिजिकली रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू सर्व किया गया है वो प्रोसेस सही है या गलत है हम उसपे नहीं जाएंगे बट जिस दिन आपको ये कम्युनिकेशन मिलता है वो डेट माना जाएगा डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर एंड और उस दिन से थ्री मंथ्स के अंदर आपको अपील फाइल करना है अगर आप ये थ्री मंथ्स के अंदर अपील फाइल नहीं करते हैं तो क्या होगा इन दैट केस अगर टू प्रूव कैन अलाउ यू इन लिमिट हो जाता है थ्री मंथ प्लस फोर मंथ अब अपील कैसे फाइल किया जाए इसके लिए आप अपने जीएसटीएन पोर्टल में दिए गए तरीके से आप यूजर सर्विसेज के माई एप्लीकेशन में जाएंगे तो वहां पर ऑप्शन आता है अपील टू द अपीलेट ऑथोरिटी यहां पर आप अपना ऑर्डर टाइप सिलेक्ट करके अपील फाइल करेंगे क्या इस अपील को फाइल करने के लिए कोई प्री कंडीशन है तो यस आपको अपील फाइल करने से पहले एक प्री डिपॉजिट करना होता है इस डिमांड ऑर्डर के अंदर कई प्रकार के कॉम्पोनेंट होते हैं फॉर एग्जाम्पल टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी एंड फी ये जो भी डिमांड के साथ आप एग्री कर रहे हैं आपको उसको हंड्रेड परसेंट डिपोजिट करना पड़ेगा बिफोर फाइलिंग ऑफ अपील एंड जो पोर्शन के साथ आप डिसएग्री कर रहे हैं जिसके अगेंस्ट आप अपील फाइल करते हैं उसका टैक्स पोर्शन का टेन परसेंट आपको प्री करना पड़ेगा बिफोर फाइलिंग ऑफ अपील अगर इसमें कोई नहीं है, तो e is 129. उस केस में क्योंकि खाली पेनल्टी का डिमांड होता है तो वहां पर उस पेनल्टी का ट्वेंटी प्री डिपोजिट करके ही आप अपील फाइल करवाए ये प्री डिपोजिट करने के बाद आप अपना ग्राउंड्स ऑफ अपील एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ अपील फाइल करेंगे अपील फाइल करने के बाद एपीएल जीरो वन इशू होता है विच इज एन प्रोविजनल एक्नोलॉजमेंट ऑफ फाइलिंग ऑफ एपील प्रोविजनल है इसका मतलब कुछ न कुछ आगे का प्रोसेस भी बाकी है अपीलेट ऑथोरिटी आफ्टर वेरीफाइंग कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एंड प्री डिपोजिट सही है उसके बाद फाइनल एक्नोलॉजमेंट इशू करेंगे दैट इज एपीएल जीरो टू इसका मतलब आपका वो अपील फाइल हो गया है अब ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है जहां पर जो ये ऑर्डर है जिसके आगे आप अपील फाइल कर रहे हैं वो ऑनलाइन जीएसटीएन पोर्टल में अपलोडेड नहीं है तो इन दैट केस ओनली आपको अपना ये ऑर्डर का सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी फिजिकली सबमिट करना पड़ेगा बिफोर द अपीलेट ऑथोरिटी विद इन सेवन डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील येस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है कि अगर आपका ये ऑर्डर जीएसटी पोर्टल में अपलोडेड नहीं है तो इसका सेल्फ सर्टिफाइड फिजिकल कॉपी आपको फाइल करना है of of अगर आप करेंगे, माना जाएगा कि उस दिन आपका वो अपील फाइल हुआ है एंड अगर वो आपका ये जो टाइम लिमिट है थ्री मंथ्स या फोर मंथ उसकी अगर क्रॉस कर जाता है तो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर तो ये कंडीशन को आप जरूर याद रखिएगा ये अपील फाइल होने के बाद अपिलेट ऑथोरिटी आपको पर्सनल हियरिंग का अपॉर्चुनिटी देंगे जिसमें अगर आप उस पर्सनल हियरिंग के डेट में अपीयर नहीं हो पाते हैं तो आपको थ्री टाइम्स तक पर्सनल हियरिंग का पर्सनलमेंट अलाउड है बट ऑलवेज ट्राई जिस विद इन पर्सनल हियरिंग आता है आप उसी में अपियर करके आप अपना सारा सबमिशन अगर ऐसा कोई सबमिशन है जो आप अपना एडिशनली देना चाहते हैं बिफोर द अपीलेट ऑथोरिटी विच इज नॉट गिवन इन द ग्राउंड ऑफ अपील तो उस समय आप हयरिंग के समय भी उसे दे सकते हैं तो ये था पूरा प्रोसेस फॉर फाइलिंग ऑफ एन अपील बिफोर द फर्स्ट एपिलोड ऑथोरिटी अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें थैंक यू सो मच